भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सायापुर में है। यहाँ पर पहले उन्होंने संगठन के जो पदाधिकारी उनके साथ उन्होंने बात की है, उसके बाद में प्रबुद्ध वर्ग के जो वोटर्स हैं उनके साथ उन्होंने संवाद किया गांधी भवन में। अब कटिया टोला मोहल्ला में सायापुर नगर विधानसभा से प्रत्याशी सुरेश कुमार खन्ना के लिए वो डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। सुरेश कुमार खन्ना के लिए वोट करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं, खासा उत्साह है उनमें। नड्डा जी आए हैं, कैसा लग रहा है, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? जी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, बहुत बातों बहुत ही बहुत ज्यादा बातों से विजयी बन करके आएंगे। कितनी बड़ी जीत, प्रदेश में योगी जी की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी और गुंडा मुक्त सरकार बनेगी। प्रदेश में इतना अत्याचार था, अखिलेश जी की सरकार में गुंडा माफिया रोडों पर बहु बेटियों को चलने नहीं देते थे, निकलने नहीं देते थे और योगी जी ने सब पर डंडा लगाया और प्रदेश में दंगा मुक्त सरकार चलाई। और लोग उनसे बात करेंगे। जेपी नड्डा जी आए हैं, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा सर? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऐतिहासिक जीत हो रही है और उत्तर प्रदेश में माननीय खन्ना जी दो नवीं बार जीत रहे हैं। आप ये मांग के चलिए और जिस जगह आए हैं यहाँ तो कम से कम लीड पूरी पूरी है। विपक्ष गायब हो गया है, विपक्ष चला गया है, विपक्ष हरा ही नहीं गया। भाजपा के कार्यकर्ता में खासा उत्साह है यहाँ पर लगातार। क्या कह रहे हैं आप बताइए? इस बार नौवीं बार खन्ना जी फिर से विकास करा है, विकास करेंगे। खन्ना जी नौवीं बार विकास किया, विकास करेंगे। कुछ महिलाएं भी उनसे बात करेंगे। जेपी नड्डा जी आपके द्वार पर आए हैं, कैसा लग रहा? बहुत ही हर्ष का माहौल है, हम सब लोग बहुत खुश हैं और हम लोग 2022 में जरूर 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 अपनी सरकार बनाएंगे। हमारी बहनें, हमारा महिला मोर्चा पूरे जोश के साथ में लगा हुआ है, बहुत ही हर्ष के साथ हम लोग लगे हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार आएगी और हमारे नड्डा जी ने आके एक नई ऊर्जा का संचार किया है हम लोगों के अंदर और हम और अच्छा करेंगे और 2022 में 100% सरकार लेके आएंगे। बोल महिला मोर्चा जिंदाबाद, सुरेश खन्ना जिंदाबाद। जी आप बताइए। हम ये कह रहे हैं माननीय खन्ना जी इस शाहजहाँपुर के तो वरदान साबित हैं और इन्होंने इतना विकास कराया जिसकी संभावना कोई भी नेता कर नहीं सकता, कल्पना नहीं कर, इतना विकास कराया और इसी दम पर ये नौवीं बार फिर जीतने जा रहे हैं और अब के ज़्यादा वोटों से और जीतेंगे और एक बार जीतने जा रहे हैं और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। ये कहना है खासा उत्साह है यहाँ पर। जेपी नड्डा आप बताइए कितने से जीत होगी? 50,000 से जीत होगी और नौवीं जीत ऐतिहासिक जीत होगी हमारे शाहजहाँपुर में 135 विधानसभा क्षेत्र में। नौवीं बार की जीत का दावा कर रहे हैं यहाँ पर जेपी नड्डा। आज स्वयं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जो कि सायापुर के नगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वो यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खैर मिशन पर बने रहिए और भी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे।